सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एमआर एक्वायरीज। तो आ गया हूँ मैं आज न्यू टॉपिक के साथ में, न्यू स्टॉक के साथ में, न्यू फीचर्स के साथ में, जो मैं हमारे 200 गैलन टैंक है उसके अंदर डालने वाला हूँ। मेरा 200 गैलन टैंक आप लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, जिसमें मैंने पूरे टैंक का सेटअप किया था, मैंने पूरा जो रॉक्स वगैरह है, प्लांट्स वगैरह लगाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं ये जो मेरा टैंक है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो चुका है, बहुत मैच्योर हो चुका है, क्योंकि मेरे जो मीडिया है मतलब ऑलमोस्ट एक साल हो चुके हैं मेरे मीडियाज़ को, तो वो जब से साइकिल हो ही रहे हैं उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया हो सकते हैं, क्योंकि मेरा टैंक के अंदर बहुत जल्दी एल्गी ग्रो हो चुकी है। एक ही हफ्ता हुआ है मेरे टैंक को जब से मेरा टैंक साइकिल हो ही रहा है, एंड प्लांट्स भी है उसके अंदर, उसकी वजह और लाइट्स भी मैंने बराबर 12 घंटा 13 घंटा चला के रखा था, क्योंकि प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है, तो 12 घंटा तक लाइट्स उनको चाहिए ही चाहिए। तो उसकी वजह से मेरे टैंक के अंदर काफ़ी ज़्यादा एल्गी है। आप देख सकते हैं मेरे जो वाइट पूरे सैनिस्बर रॉक्स थे और अभी वो पूरे येलो हो चुके हैं, पूरा एल्गी जमा हो चुकी है ड्रैगन रॉक्स के ऊपर भी, लावा रॉक्स के ऊपर भी, एंड काफ़ी सारे प्लांट्स भी है जो एकदम अच्छे से मतलब ग्रो हो रहे हैं। मतलब टैंक का वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। तो अभी मैं फिशेस तो लेकर आ गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी फिशेस लाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये इसके अंदर है जियोफेगस, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जियोफेगस रेड हेड बोलते हैं इसको, रेड हेड टैपोजस बोलते हैं। तो ये मैं लेकर आया हूँ, ये मैंने टोटल 12 पीसेस लेकर आया हूँ, इसके अंदर 7 है, 7 पीसेस है, और एक और एक पैकेट था जिसके अंदर 5 पीसेस थी, तो उसका पैकेट थोड़ा लीक हो गया था, इसके लिए मैंने उसको इसमें डाल दिया हूँ फिशेस को, तो वो अभी रॉक्स में कहीं तो भी घूम गई है, तो छुप के बैठे उन लोग। पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिशेस है, आप देख सकते हैं इनका साइज़ कुछ 2.5 से 2 इंचेस तक है आपको अगर दिख रहा होगा। तो टोटल मैंने 12 पीसे 12 पीसेस एक दर्जन लेकर आया हूँ उनको, एंड ये आप देख सकते हैं ये है जियोफेगस की ही वैरायटी है, ये भी अल्बाइनो हैकेली बोलते हैं इसको, अल्बिनो हैकेली, ये इसका भी 2 इंच का साइज़ है। ये भी मैंने एक्चुअली 12 पीसेस चाहिए थे मुझे, बट अवेलेबल नहीं थी उसके पास, तो मैंने सिर्फ दो पीस थी वो मैंने ले लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की और बहुत अच्छी वैरायटी है जियोफेगस की। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये मेरी बहुत फेवरेट फिश है, मैं हमेशा से रखना चाहता था इसको, एक बार रखा था बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ खा नहीं पाई तो, और उसकी डेथ हो गई 1 महीने में, एंड तो फिर मैं सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टिंग रे है हमारी, इसको मोटोरो स्टिंग रे बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका, आप देख सकते हैं ऊपर से समझ में आएगी, ये ऑलमोस्ट 4-5 इंच या 6 इंच तक की होगी, 4 इंच की तो पॉसिबल ही नहीं है स्टिंग रे मिलना, क्योंकि 4 इंच की हो जाती है तो मोर्टेलिटी के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसके लिए उस टाइम पे डिलीवर वगैरह नहीं करते। तो सबसे पहले फटाफट मैं अभी फिशेस को जो है हमारे टैंक में डालने वाला हूँ, तो चलिए सबसे पहले डाल के दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये अभी जो सबसे पहले मैं अल्बाइनो जो हैकली है हमारी, अल्बिनो हैकली जो हमने 2 पीस लेकर आए हैं, इसका जो साइज़ है ये 2.5 इंच के अप्रॉक्स है उतना, एंड ये बहुत खूबसूरत लगती है ये फिश बड़ी होने के बाद में, इसके लिए मैंने ये लेकर आया हूँ, मुझे ज़्यादा लेना था। एंड आप देख सकते हैं दोनों का साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है बट अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा, तो मैंने ले लिया, मुझे 2 ही पीस मिले एक्चुअली, मैं चाहता था कि एक साथ मैं इसको ज़्यादा ऐड करूँ टैंक में, बहुत खूबसूरत लगेगी जब अगर एक ही साइज़ की फ़िशेज़ जो है एक साथ बड़ी होती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड तो फिर आप देख सकते हैं ये अभी जो हमारा बड़ा पैकेट है इसके अंदर हमारी कुछ 6 या 7 जियोफेगस है, जियोफेगस की वैरायटी है, मतलब ये रेड हेड टैपोजस बोलते हैं इसको, तो ये भी बहुत खूबसूरत फिश है, आप देख सकते हैं ये अच्छी, इसकी थोड़ा सी साइज़ थोड़ा बड़ा है अल्बाइनो हैकेली से, एंड आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी हेल्दी फिशेस है, हाथ में भी नहीं आ रही मेरे आप देख सकते हैं, बट है बहुत ज़्यादा खूबसूरत फिश है ये, एंड यस इसके साइज़ थोड़ा सी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 इंच का होगा। तो अभी इसको हम डालेंगे हमारे टैंक में,
जस्ट लुक एट द फिश मैन, बहुत खूबसूरत पैटर्न है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको हाथ लगाने को। तो अभी देख सकते हैं ये स्टिंगरे जो है वो अभी हम ऐड करेंगे हमारे टैंक में। मेरी वो वीडियो मिस हो गई जिसके अंदर जिसमें मैंने जियो फिगर्स को ऐड किया, तो सॉरी मैं वो बता नहीं पाया। आप देख सकते हैं ये स्टिंगरे है जिसकी थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम है। ये जिसने जिसके पास से मैं लेकर आया हूँ उसने शायद से अच्छे से रखा नहीं था इसको। फिश उसके पास शायद से खाना नहीं ले रही थी, फूड नहीं ले रही थी, तो अभी देखते हैं हम इसको सही करेंगे। हाँ तो बस अभी जो जितनी फिगर्स लेकर आया था उतनी डाल चुका हूँ। टोटल अभी हमारे पास 12 जियो फिगर्स रेड हेड टेपोजास हो गई है, एंड 2 फिशेस जो है अल्बाइनो हैकली है, एंड एक जो है हमारा स्टिंगरे है जो मोटोरो स्टिंगरे है वो 6 इंच का। अभी देख सकते हैं ये थोड़ा डरा हुआ है इसलिए अपने ऊपर थोड़ा सी सैंड डाल लिया है। इन लोग जो स्टिंगरे होती है अगर थोड़ा डर जाती है या किसी से छुपने का होता है उसको तो वो अपने ऊपर सैंड डाल लेती है। ये वाली जो सैंड है ये थोड़ी सी और ज़्यादा हैवी होती है। एक और एक सैंड आती है जो एकदम बारीक सैंड होती है, वो अगर बीच 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 पे जो सैंड होती है अगर वो सैंड होगी तो वो तो पूरी छुप जाती है। जैसे मैंने लास्ट टाइम मेरे एक बार जब मेरे पास 4 फीट का टैंक था तो तब मैंने स्टिंगरे रखा था, तो मेरे पास वही वाली सैंड थी, लाइव सैंड रहती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। जब मेरे पास स्टिंग रहती थी तो वो ऐसे ही अपने ऊपर पूरा छुपा लेती थी अपने आप को। मैं तो ढूंढता था कभी कभी कि कहाँ चली गई, खाली आँख दिखती थी उसकी थोड़ी सी, तो काफ़ी अच्छी थी वो भी, बट डेथ हो गई उसकी। इसको अभी देखते हैं क्या संभालना है इसको, स्टिंग रे को जितना हो सके उतना कोशिश करने का कि प्रॉन्स ही खिलाया जाए। प्रॉन्स या शिलुंग बोलते हैं जिसको हम जो लोकल मार्केट में मिलता है, तो वही खिलाऊंगा अभी। एंड जो हमारे जियो फेगस है उनको तो जो इंस्टिंक्ट आता है जो हेलो फीड का वही खिलाऊंगा, एंड देखते हैं क्या है, जो भी खाएंगे वो खिलाने के। बाकी टैंक कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे तो, आप देख सकते हैं मतलब बहुत बेटर लग रहा है मेरे को पहले से तो। एंड जो फिशेस भी है अभी देख सकते हैं थोड़ा डरे हुए हैं इसलिए नीचे बैठे हैं, एंड देख सकते हैं आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फिशेस है, सब एकदम एक्टिव है, बराबर से घूम रहे पूरे टैंक में। आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर है इनका, एंड ये देख सकते हैं आप थोड़ी सी इसकी साइज़ बड़ी है तो इसका थोड़ा ज़्यादा कलर है, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी उतना इनका कलर आते जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे टैंक में। देखो आप एक यहाँ पे बैठी है अंदर झाड़ के नीचे बैठी है, ये नीचे जा रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। छोटी छोटी स्मॉल फिशेज जो है पूरा एकदम ऐसे लगता है सी व्यू आता है, मतलब जैसा समंदर में कैसे दिखता है वैसा दिखता है। तो एंड आप प्लांट्स देख सकते हैं, मेरे प्लांट्स भी एकदम हेल्दी है। तो जैसा भी है अपडेट अभी मैं देते रहूँगा, मुझे और फिशेस लेकर आने का है क्योंकि ये फिशेस तो अभी बहुत कम दिखेगी, नहीं ढूंढना पड़ेगा मेरे को कि टैंक में है क्या कितनी है। और भी फिशेस लाने वाला हूँ, जो अल्बाइनो हैकली है वो तो मैं लाने ही वाला हूँ डेफिनेटली, मुझे 12 चाहिए ही थी ऑलरेडी वो, बट मिलिंग तो 2 ही है अभी। एंड स्टिंग रे भी है जो एक ही रखूँगा अभी फिलहाल, तो बाकी देखेंगे बाद में कुछ अगर सोचूंगा कुछ उसका पैर लाने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी वैरायटी की फिशेज मेरे को हमेशा से 2 रखने की आदत है, आप तो जानते ही हैं मैं हमेशा से कोई भी वैरायटी लेकर आता हूँ तो 2 रखता हूँ। जैसे मेरे पास पाकू थी, अरवाना थी, जो भी था मेरे पास ऑस्कर्स वगैरह सब चीज़ मैंने पैर में रखा था, तो सोचूंगा मैं स्टिंगरे का भी एक पैर लेकर आऊँ, पहले ये एक रख लूँ ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद में जो है सेकेंड वाली देखेंगे लेकर आएंगे। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही था, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।